थैलाइनार तिराहे के पास पुलिस मुठभेड़ में जनसेवा केंद्र कर्मी से लूट में 6 गिरफ्तार, 4,70,000 रुपए बरामद, 2 असलहे, 3 बाइक मोबाइल बरामद। आजमगढ़ के बेलईसा के समीप 2 जून को जनसेवा केंद्र कर्मी से 7,46,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बीती रात 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4,70,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। इसके अलावा इनके कब्जे से 2 देशी तमंचा, 3 मोबाइल फोन, 3 बाइक भी बरामद हुई। वहीं इसी कार्रवाई के दौरान फरार एक अन्य अभियुक्त के साथ आज सुबह हुई मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद इसके पास से 2,25,000 रुपए नकदी, असलहा, कारतूस, अपाचे बाइक बरामद की गई। उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा कर बताया, घटना के बाद 3 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में गठित की गई थी। 70 किलोमीटर के रेंज में 109 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई थी। एक हफ्ते की मेहनत में घटना की कई जानकारियां मिली। सूचना के आधार पर बीती रात रानी की सराय थाना के छैला इनार तिराहे से महनगर रोड पर एक मुठभेड़ में 6 बदमाशों को, जिनके नाम हरवंश गोपाल, मानवेंद्र चौबे, अमन यादव, रोशन यादव, ब्रिजेश यादव, सत्यप्रकाश और वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। मैकू यादव को आज सुबह मुठभेड़ में गोली लगने पर पकड़ा गया। हरवंश गोपाल पीड़ित कर्मी का बचपन का साथी था। उसने मानवेंद्र और अमन के साथ मुखबिरी की। मऊ जिले से 50,000 के इनामी मैकू यादव और ब्रिजेश यादव ने लूट किया था। इसके 3 साथी जेल में हैं, 7 अन्य अभिवांछित हैं। यह भी खुलासा हुआ कि मैकू यादव अपना व अन्य साथियों की जमानत फर्जी जमानतदार के माध्यम से लेता था। इसकी भी जांच हो रही है। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। जनसेवा केंद्र संचालक के कर्मचारी के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7,46,000 रुपए की लूट की गई थी। इस घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ लालगंज, सीओ सिटी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग के साथ में 3 टीमें गठित की गई थी। पिछले एक सप्ताह के दौरान इन तीनों टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए लगभग 70 किलोमीटर के रोड एरिया पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 109 सीसीटीवी फुटेज का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ। इस डेटा को सर्विलांस टीम के साथ काम करते हुए डेवलप किया गया, जिसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। तीनों टीमों के द्वारा लगातार कार्य करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 अपराधी कल रात्रि में गिरफ्तार किए गए और एक शातिर अपराधी जो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, दाहिने पैर में उसके गोली लगी है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इन टोटल 7 अपराधियों से जो लूटा गया धनराशि थी लगभग 7,46,000, उसमें से 7,01,000 की धनराशि के बराबर टोटल मूल्य की वस्तुएं बरामद कर ली गई है, जिसमें से 6,95,000 कैश है और 6,000 रुपये जो इन्होंने इस्तेमाल किया था खरीदने के लिए, उसको बरामद किया गया है। इस घटना की पटकथा पीड़ित देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।